खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के झुंझुनू में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहन खदान में लिफ्ट टूट गई। इस हादसे में लिफ्ट के अंदर 14 लोग फंस गए। ये सभी लोग 1800 फीट गहरी खदान में फंसे हुए थे। इस घटना की सूचना पुलिस और राहत बचाव टीम को दी गई। 13 अधिकारियों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जहां 13 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर आने की खुशी है, वहीं एक अधिकारी की मौत की खबर है। इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जल जान से मारने की बात कही। 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक वीडियो देखा जिसमें कोई कह रहा था कि लिखकर क्या धमकी दे रहा है, उनको कहना चाहता हूं कि रविंद्र भाटी को मारेंगे, जल्द करेंगे और खुलेआम मारेंगे, तुझे जो करना है कर लेना, इस तरह जातिवाद फैलाकर क्या करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लापता एक मुखबिर बालिका को परिवार से मिलाने के लिए सोशल मीडिया मुहिम रंग लाई और आखिरकार 25 दिन बाद बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने बालिका को परिजनों को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी करीब 16 वर्षीय मुखबिर बालिका 20 अप्रैल को घर से भटककर 4 मई को हनुमानगढ़ जिले के डाबा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां GRP ने बालिका मिलने की सूचना बाल कल्याण समिति को दी और बाल कल्याण समिति ने बालिका को साखी सेंटर में भर्ती करवाया था। दो व्यक्तियों के कहने पर उड़ावली गांव में नहरी खला निर्माण रोकने का आरोप लगाते हुए किसानों ने आज जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा, खला निर्माण शुरू करने की मांग रखी। इस दौरान नहरा अध्यक्ष नेहरू नबी ने बताया कि खले के रास्ते में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और दोनों व्यक्ति 3 लाखों रुपए कीमत पेड़ों को बचाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जल संसाधन विभाग के CAD अधिकारी को लिखकर दे दिया है। खला न बनाए जाने जिससे काफी किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने कहा कि दो व्यक्तियों के कहने पर विभाग खला निर्माण को रोक नहीं सकता और अगर खला निर्माण शुरू नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरी पार्टी और हम सब पर भरोसा कर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया है, यहाँ उनका मुकाबला BJP के मनोज तिवारी से। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा। चुनाव इस देश की प्रभुत्वता, इस देश की संविधान के संरक्षण का चुनाव है। ये चुनाव देश में हर व्यक्ति अपनी आवाज बुलंदी से बोल सके इस बात का चुनाव है। इस देश में 10 साल से नीतिगत तरीके से संस्थाओं के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर जो प्रहार हो रहा है, उसको रोकने का चुनाव है। और राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पूरी पार्टी ने हम सब पे भरोसा कर इस चुनाव में कन्हैया जी को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया। उन्होंने 97 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कमला बेनीवाल काफी समय से बीमार थी, उनका इलाज जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था, इस दौरान उनकी मौत हो गई। कमला बेनीवाल चर्चित नेता थी, वह गुजरात की राज्यपाल और 7 बार विधायक रह चुकी है। अरविंद केजरीवाल अमृतसर से पंजाब में अपना चुनावी संग्राम का आगाज करेंगे। 16 तारीख की शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल से कांग्रेस राम मंदिर को अटकाकर बैठी थी। उन्होंने कहा कि नवीन बाबू जो राम का उत्सव रोकता है, उड़ीसा की जनता उसे माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि PM मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद का अंत करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे ने 70 साल की उम्र में बुधवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। CM भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। CM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मां और ग्वालियर राज परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन का समाचार अत्यंत दुख है। ओम शांति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, झूठ की फैक्ट्री भाजपा खुद को कितना भी दिलासा दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार फिर कह रहा हूँ, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। देश के हर कोने में इंडिया की आंधी चल रही है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब पर रूबरू होंगे। शुक्रिया।